जब हम लोग दोनों सफर में होते थे तो मैं मेरे बच्चों से 24 घंटे में एक बार बात करता हूँ, सफर में होता हूँ, या कभी कभी वो भी नहीं, मसरूफियत की वजह से मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं उनको देखता था कि वो आफीफा से और हसनैन से हर 2-3 घंटे के बाद वीडियो कॉल पे गुफ्तगू करते थे। मैं सोचता हूँ कि अब उन बच्चों का क्या, इसलिए कि स्टेज वालों को एक नाथ का कोई फिर मिल जाएगा, महफिलों को गरमाने वाला किसी को ताली कुरान फिर मिल जाएगा, लेकिन शायद आफीफा और हसनैन पता नहीं कब तक इंतजार करते रहेंगे कि बर्तानिया को उनका गया हुआ भाग कब वापस आता। उसकी वजह यह है कि जिनको शऊर है वो अहले शऊर तो जानते हैं कि वो वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन उनकी माँ उनको ये कब यकीन दिलाएगी कि तुम्हारा बाप अब कभी वापस नहीं आएगा। शायद उन्होंने सहाबाए किराम की उस सुन्नत पर अमल कर लिया कि अल्लाह की राह में एक बार घर से निकले और अब दोबारा वो लौट कर कभी नहीं है। उन्होंने औलिया की सुन्नत पर अमल किया कि औलिया अल्लाह बहुत सारी जमीनों पर अपने वतन से गए थे और उसी जमीन के होके रह गए, फिर कभी वतन को वापस नहीं लौटे। मैं दुआ करता हूं, आपसे भी कहता हूं कि आप खास गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह उस बच्ची अफीफा और बच्चे हसनैन को उनके बाप का नेमुल बदल अता कर दे और अल्लाह ताला उनकी परवरिश के लिए बेहतरीन अस्बाब पैदा फरमा दे और अल्लाह उनके घर वालों को, उनकी बूढ़ी माँ को, बहुत ज़ईफ़ है उनकी अम्मी, अल्लाह उस माँ को सब्र दे, अजर दे और सुनी दावत इस्लामी को भी नेमुल बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।